नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष लुनिया और आप हो अपनी चैनल पर जिसका नाम है ऑल टैलेंट सिविल। दोस्तों, घर हम सभी बनवाते हैं, कोई आज बनवा रहा है, कोई 4 दिन बाद बनवाएगा, लेकिन हर इंसान अपनी जीवन में एक ना एक दिन घर बनवाता है। दोस्तों, इसीलिए मैं कंस्ट्रक्शन के संबंधित सभी छोटी छोटी जानकारियां आपको देता हूं ताकि आप कभी छोटी से छोटी गलतियां ना करें। दोस्तों, छोटी गलती भी भविष्य में एक बड़ा नुकसान का कारण बन जाती है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को वो सभी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताता हूँ। छोटी हो या बड़ी हो, हर जरूरत जरूरी चीज़ कंस्ट्रक्शन के संबंधित आपको वीडियो के द्वारा आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वाटर टैंक सेफ्टी टैंक के बारे में। दोस्तों, वाटर टैंक सेफ्टी टैंक हर घर में बनता है और हर घर में एक ना एक वाटर टैंक तो होता ही है, सेफ्टी टैंक तो खैर होता ही है। दोस्तों, इसके बनाने की कुछ विधि होती है, कुछ सही तरीका होता है। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक के कारण वह टैंक सीपेज हो जाता है, जिसका पानी पूरा बाहर आ जाता है। दोस्तों, इसका जो सही तरीका क्या है वो मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। जो तरीका है उसका सही विधि क्या है वो आपको बताऊंगा, जिससे आप भी इस थोड़ी छोटी सी भी गलतियां ना करें उसको बनाने को लेकर। क्योंकि दोस्तों, टैंक एक बार बनता है, उसके बाद बार बार नहीं बनता है। अगर सीपेज हो गया है तो वह दोबारा रिपेयर नहीं होता है। आपके माइंड में एक बात अटका लो, क्योंकि सेफ्टी टैंक एक बार, टैंक कोई सा भी हो, सेफ्टी टैंक हो चाहे वाटर टैंक हो, एक बार बनने के बाद में अगर वह सीपेज मार रहा है तो उसकी रिपेयरिंग दोबारा नहीं की जा सकती। कुछ समय के लिए राहत की जा सकती है, लेकिन टोटली रिपेयरिंग नहीं की जा सकती। इस कारण मैं सही विधि आपको बता लूंगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं वीडियो के ऊपर। दोस्तों, आपकी टैंक में अगर लाल ईंटों से जुड़ाई हुई हो तो उसे अच्छी तरीके से भिगो दीजिए। इतना भिगोइए वहां से कि सीमेंट ईंटे पानी पीना बंद कर दे। दोस्तों, जब ईंट अच्छी तरीके से भीग जाए, और दोस्तों एक बात, एक पॉइंट और कहना चाहूंगा आपको कि वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर मिस कर देंगे तो आप, हो सकता है किसी ना किसी पॉइंट को आप मिस कर दें, जिससे आपको अधूरी जानकारी मिले और आप भी कहीं छोटी सी गलती कर दें। दोस्तों, ईंटों को अच्छी तरीके से भिगोने के बाद में उस पर पेवर सीमेंट का जो घोल होता है, घोल में आप चाहे तो वाटर प्रूफ लिक्विड जो होता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप डाल सकते हैं। लेकिन आप इसकी सही विधि को जानने के बाद में उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टैंक को अच्छी तरीके से बनाएंगे तो वाटर प्रूफ लिक्विड का भी कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों, सीमेंट के घोल से पूरी अच्छी तरीके से पूरी दीवारों को भिगो दीजिए। सीमेंट के घोल से ऐसा भिगोइए दोस्तों कि कहीं भी कोरापन या कहीं भी छूट ना पाए। दोस्तों, इससे एक फायदा होता है, घोल से एक नहीं बल्कि दो फायदे होते हैं। पहला फायदा दोस्तों, दीवार और प्लास्टर की जो पकड़ होती है वो और भी ज़्यादा इसमें मजबूत हो जाती है। और दूसरा फायदा दोस्तों, यह वाटर प्रूफ परत का भी काम करता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। दोस्तों, यहाँ पे इसका दो फायदा होता है, दीवार और प्लास्टर की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और दूसरा फायदा यह वाटर प्रूफ परत का भी काम करता है। दोस्तों, भिगोने के बाद में सिंपली हम जैसा ही प्लास्टर करते हैं वैसा प्लास्टर कर देना है, और पूरा प्लास्टर फिनिश होने के बाद में आप जो दीवार की जो चार किनारे हैं, यानी कि दीवारों के चारों कोने और नीचे के जमीन के चारों कोने को सिंपली हमें उसे पैक करना है। अब पैक कैसे करेंगे दोस्तों, जिसको हम कच बोलते हैं, कच को हमें कच बनाना है। अब ये कच कैसी बनती है, कोने कैसे बनते हैं, सिंपली हमें कोने में 3 से 4 इंची पट्टी बनाना है। सिंपली आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार पट्टी बन रही है, उसी प्रकार से हमें पट्टी बनाना है ताकि कोने में से भी कोई जॉइंट ना हो जहाँ से सीपेज ना हो। दोस्तों, कमजोरी
कमजोर जो जगह रहती है सिपेज मारने की, वो कोने पास से ही अधिकतर सिपेज मारता है, इसलिए हमें ये चारों कोने को पैक करना है। और जो जमीन के जो कोने हैं चारों कोने, उसे भी हमें पैक करना है सिंपली 3 इंची 4 इंची पट्टी के साथ में। दोस्तों ये पूरे कोने हम पैक होने के बाद में सिंपली हमारा पूरा प्लास्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बचा है दोस्तों सिर्फ एक काम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीम के लिए। अब यहाँ पे हमें पेवर सीमेंट के घोल से यहाँ पे पॉलिश करना होगा। दोस्तों पॉलिश सिंपली पॉलिश करनी से किया जाता है, जिसकी करनी अलग होती है पॉलिश करनी से। उसमें हम इसका घोल का भी रेशो थोड़ा गाढ़ा होता है, गाढ़े घोल से चाहे तो आप उसमें वाटरप्रूफ लिक्विड मिला सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, बाकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं तरीक़ों से अगर टैंक बनाते हैं तो वाटरप्रूफ लिक्विड का यहाँ पे कोई काम नहीं रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा घोल बनेगा प्लास्टर पॉलिश के लिए। सिंपल ये हमें इसी प्रकार से घोल डालना है और उसके बाद में हमें पॉलिश से इसको फिनिश करना है। दोस्तों पॉलिश को आप इतना फेंटना है, घोल के ऊपर पॉलिश को इतनी बार चलाना है ताकि हमारी पूरी जो सीमेंट की जो परत है, सीमेंट की जो सल है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। हमारा प्लास्टर जो पॉलिश है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। दोस्तों पॉलिश हमें कोने कोने में करना है, कहीं भी हमें कोरा नहीं छोड़ना है। यहाँ पे जमीन में भी जमीन बनाकर हम यहाँ पर पूरी प्लास्टर पॉलिश करेंगे। दोस्तों पूरा टैंक प्लास्टर पॉलिश होने के बाद में, पूरी सीमेंट का घोल लगने के बाद में, हमारा पूरा पॉलिश होने के बाद में सिंपली हमें दोस्तों मिनिमम 12 घंटे का रेस्ट देना है टैंक में। उसमें कोई भी छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। 12 घंटे के रेस्ट के बाद में दोस्तों 12 घंटे के बाद में उनसे कुछ पानी से तराई करना है, थोड़े पानी से, हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है। दोस्तों यहाँ पे 48 घंटे के बाद में हमें टैंक में पानी भरना है। दोस्तों इससे पहले हमें टैंक में पानी नहीं भरना है, समथिंग 48 घंटे के बाद में टैंक में पानी भरना है। तब तक के लिए टैंक में सिर्फ तराई ही करना है सिंपली थोड़े पानी से, ताकि हमारे टैंक में जो पॉलिश है, जो प्लास्टर है, वो सूखे नहीं। देखना है हमें कहीं सूख तो नहीं रहा है। दोस्तों 48 घंटे बाद इसमें पानी भरना है। इससे पहले अगर आपने पानी भर दिया है तो दोस्तों पानी का जो दबाव रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको टैंक को सीपेज कर सकता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह की कॉन्ट्रैक्शन के संबंधित वीडियो बनाते रहता हूँ आपके लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।